अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू, कामरान यूसुफ और शहबाज राणा के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें ये खुद एतराफ भी करना चाहिए कि जो अब सैलाब की सूरत हाल है, खास करके सिंध और पंजाब के अंदर, ये हमारी भी कोताही है कि हम भी अपने प्रोग्रामों में जब डिस्कशन करते रहे तो शायद हमें भी इतना अंदाजा नहीं हुआ कि ये इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी है वो अनफोल्ड हो रही है। जाहिर है कि मीडिया का भी उसमें उतना ही कसूर है, हमारा भी कसूर है कि इस मामले पर पहले ही जाहिर है हमें तस्करा करना चाहिए था, क्योंकि इंसानी जान से बढ़कर कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ना सियासत ना जो बाकी मामलात हैं। अब जब इतलात हमारे सामने आ रही है, एक पिक्चर जो अमर्ज हो रही है, तो एक बहुत बड़ा जो आप कह लें कि कुदरती जो आफत है वो हमारे पर आन पड़ी है। उसका सिंपल जो सरकारी इवन आदाद शुमार हैं, ये जो अभी मानसून बारिशों की वजह से जो नुकसान हुए हैं, जो सैलाब आया है, अब तक के जो आदाद शुमार हैं, 3,30,00,000 जो आबादी है वो इससे मुतासर हुई है। लाखों लोग बेघर हैं, खास करके पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, साउथ पंजाब का भी कुछ हिस्सा मुतासर हुआ है। 1,000 के करीब अभी तक जो लोग हैं इसमें जान भाग हो चुके हैं। लाखों की तादाद में जो लाइफ स्टॉक, लोगों का जो एक लाइवलीहुड है वो मुतासर हुआ है। और इसी के साथ साथ और भी बहुत से नुकसान हैं शहबाज, इवन के जो खड़ी फसल, मेरे ख्याल में हज़ारों एकड़ आराजी के ऊपर, उनको भी नुकसान पहुंचा है। और ये जो इतलात हैं ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, क्योंकि अब खुद हुकूमत ये एतराफ़ कर रही है कि जो 2010 में जिसे सुपर फ्लड्स कहते थे, जो अभी तक जो नुकसान हुए हैं, ये जो मौजूदा सैलाब हैं, शायद लगता है कि ये इसका जो अंदाज़ा है, ये जो तखमीना है, उससे कहीं ज़्यादा होगा। तो मेरे ख्याल में हमें एतराफ़ करना चाहिए कि शायद हुकूमत को तो अपनी जगह पे, इवन हमें भी उसको एंटिसिपेट करने में काफ़ी देर लगी कि इतना बड़ा क्राइसिस जो है वो अनफोल्ड हो रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें एतराफ़ करना चाहिए। जब ये सैलाब की तबाहकारियाँ जा रही थी बलोचिस्तान में और सिंध में, और मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब की पेशियां, कोर्ट के अंदर उनके ऊपर एंटी टेररिज्म के केसेस, शहबाज गिल साहब के साथ जो सलूक हुआ उसके ऊपर सारा फोकस था, लगता था कि पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं वो सिर्फ इन दो शख्सियात के इर्द गिर्द घूम रहे थे, और इसमें बहुत बड़ा कसूर जो था एक मीडिया का था। बावजूद इसके कि फुटेजेज आना शुरू हो गई थी, क्लिप्स आना शुरू हो गए थे, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ये वायरल हो रहे थे, फोकस नहीं कर सके। यहाँ तक कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कतर गए तो उनका जो प्लान था, कतर से उन्होंने लंदन जाना था अपनी फैमिली इंगेजमेंट्स के लिए, इसका मतलब यह था कि सरकारी सतह के ऊपर भी उस किस्म की अवेयरनेस नहीं थी, बावजूद इसके कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो मुख्तलिफ लेवल पर प्रेजेंटेशंस कर रही थी। तो हमारे जो वज़ीर खारजा थे, उन्होंने 4 मुल्की दौरा करना था यूरोप का, तो शायद उनको किसी हद तक अंदाजा हो गया था, उन्होंने लास्ट मिनट पे अपना जो दौरा है वो मंसूख कर दिया, क्योंकि जाहिर है कि सिंध सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। लेकिन ये एब्सोल्युटली राइट कि हम बहुत स्लो हैं, मतलब रिएक्ट करने में, और अब मेरे ख्याल में शायद हालात तो काफी गंभीर हैं। आप जब आदाद शुमार शेयर करेंगे तो खुद हमें अंदाजा होगा कि कितने हालात। कामरान, हमारी नेशनल साइकी बन गई है कि जब आफत टूट पड़ती है तो फिर हम निकल पड़ते हैं, फिर जो गवर्नमेंट के भी फ्लड रिलीफ अकाउंट्स खुल जाते हैं, लोग भी जाग पड़ते हैं, और जब वो एक प्रोसेस, एक इंडिकेशन होती है किसी चीज की, जिस तरह की मौसमियाती तब्दीलियों की बात हो रही थी, जब बारिशों का लेवल था, जो मानसून में जो बारिशें होती थी, पहले कहा जाता था 130 मिलीमीटर ऑन एन एवरेज बारिश होती थी मानसून में, इस दफा कितनी बात हो रही है, 353 मिलियन मिलीमीटर उसकी वो बारिशें हुई हैं, और 3 गुना ज्यादा है। और जब ये टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आ जाएं जो खुद शहरी रमान, जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं, उनके जो आदाद और शुमार हैं कि अगस्त में पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज सिंध के अंदर जो मानसून जो बारिशें होती थी उसके मुकाबले में इस दफा कोई 786% ज्यादा बारिश हुई है, बलूचिस्तान के अंदर 500% ज्यादा बारिश हुई है। तो आप अंदाजा करें कि एक पाकिस्तान जैसा वैसे ही तरक्की पजीर मुल्क, जहां पर मनसूबाबंदी और प्लानिंग इस तरह का तो फुकदान हमेशा से ही रहता है, और इस तरह की बारिशें किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी हो जाएं तो वहां पे भी यकीनन डिजास्टर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ सिरे से जब मनसूबाबंदी होती नहीं है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर होगा। मेरे ख्याल में आप बेहतर है कि थोड़ा सा जो मैग्नीट्यूड है कि हम क्यों आज
इस पर पूरा प्रोग्राम फोकस कर रहे हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर है। कुछ लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं, मैंने तो उनको ये कहते भी सुना कि ये 2005 में बहुत बड़ी आफत आई थी, जो जलजला आया था, शायद इसका मैग्नीट्यूड उससे भी कहीं ज्यादा है, वो ये कहते हैं। ज़ाहिर है इन टर्म्स ऑफ आपके पाकिस्तान में 160 इज़ला हैं और जो अभी तक तखमीनें सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 116 इज़ला जो हैं वो इन बारिशों से और सैलाब से डायरेक्टली अफेक्ट हुए, जिसका मतलब 72% जो पाकिस्तान का रकबा है, सिर्फ मैं इज़ला की हद तक बात करूँ, कुछ इज़ला छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं, वो अफेक्ट हुआ। जो आपकी आबादी है तकरीबन 22 करोड़ अफराद का ये मुल्क है और ये कहा जा रहा है कि 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, जो कि आपकी आबादी का तकरीबन 15% बनते हैं। जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जो 2010 के फ्लड्स थे उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है। 2010 में जो एक डैमेज एंड नीड असेसमेंट रिपोर्ट की थी, ज्वाइंट रिपोर्ट थी वर्ल्ड बैंक और ADB की, उसमें जो तखमीना लगाया गया था नुकसान का और रिकंस्ट्रक्शन का, वो $10 अरब था। अच्छा, उस वक्त जो था वो द्रैसन के एक किनारे की तरफ वो पानी निकला था बाहर और नुकसान मैसिव हुए थे। 2010 का फ्लड है, 2012 का जो फ्लड था वो उससे कम उसका स्केल था, लेकिन अगर ये 30 साल का हाईएस्ट इसमें बाज इस तरह की जो फ्लड्स हैं और जो उसकी बारिशें हुई हैं, तो इसका फिर जो डैमेज होगा उसका आप तखमीना खुद लगा सकते हैं। अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, दो तरह के इसके डैमेज असेसमेंट्स होती हैं, एक इब्तदाई तखमीना होता है जो NDMA रोजाना की बुनियाद के ऊपर दे रहा है और दूसरा क्या होता है डैमेज एंड नीड असेसमेंट। जो डैमेज एंड नीड असेसमेंट है 2010 में तो वर्ल्ड बैंक और ADB ने की थी, अब मेरी इत्तला ये है कि डैमेज एंड नीड असेसमेंट वर्ल्ड बैंक और ADB से शायद नहीं करवाई जाएगी, हुकूमत खुद करेगी, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ADB और वर्ल्ड बैंक से लिया जाएगा। तखमीनों के अभी कितना इसका लॉसेस हुए हैं, PM ने भी कुछ नंबर दिए हैं, मुफ्ती इस्माइल वजीर खजाना ने भी दिए हैं। मुफ्ती इस्माइल ने कहा जी कि 6 लाख से ज्यादा सिर्फ मवेशी मारे गए हैं, मतलब ये उन्होंने कहा कि 60 अरब रुपए का सिर्फ कम अज कम ये नुकसान जो है वो किसानों का हुआ है। इसके अलावा उन्होंने जो घर डैमेज इससे हुए वो भी अच्छे खासे वो लाखों में वो नंबर आ रहा है और अरबों रुपए के नुकसान की बात हो रही है हुकूमत की तरफ से। दूसरी जो आई थिंक जो सिंध का एरिया है, आपको पता है कपास, फिर साउथ पंजाब चावल, इनकी फसलों को भी बहुत हद तक नुकसान हुआ है। तो ऑलरेडी हम आपको पता है कि हमारी मईशत बड़ी मुश्किलात का दो चार है और अगर इवन कपास की शॉर्टेज होती है, चावल की शॉर्टेज होती है, तो यकीनी तौर पर यह तो जाहिर है कि लॉन्ग टर्म आगे उसका इम्पैक्ट आएगा हमारी मईशत पर। इसके ऊपर वजारत खजाना ने कल एक अपनी जो मंथली इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें उन्होंने कहा कि फ्लड्स की वजह से एक आपकी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसको अब एक उसको खदशा है कि वो ग्रोथ रेट जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होगा। और याद रखिए जो सैलाब है ये तीसरा बड़ा खतरा बन गया है, दूसरे जो खतरात जिनसे पाकिस्तान पहले ही निमटने की कोशिश कर रहा था, आलमी मंडी में जो सूरत हाल है, ग्लोबल प्राइसेस ऊपर जा रही है, ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई इस वक्त, आज जो महंगाई का नंबर आया वो तकरीबन 45% इस वक्त महंगाई की शरह ऑलरेडी पाकिस्तान में हो चुकी है। जब ये सप्लाई चेन टूट चुकी है इस वक्त जो फूड की, उसके जो इम्पैक्ट है वो भी इसके अंदर आने हैं। आज JS ग्लोबल एक रिसर्च हाउस है कराची बेस्ड, उनके जो इब्तदाई तखमीने आए उसके मुताबिक तकरीबन कामरान 900 अरब रुपए का उन्होंने एक एस्टीमेट दिया है कि इसके फ्लड्स के, ये बिल्कुल इनिशियल एस्टीमेट्स है, ये हतमी नंबर्स नहीं है। उसके जो उन्होंने मेजर इंपैक्ट निकाले हैं फसलों के ऊपर, मेजर और माइनर क्रॉप्स की जो उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आए, उसमें जो उन्होंने हाईलाइट किया है आपके जो कपास की फसल है वो मुतासर होगी, चावल की फसल मुतासर होगी, गंदम की फसल जो मुतासर होगी, टमाटर, प्याज और लाइफ स्टॉक जिस तरह तरीके से उसके ऊपर इफेक्ट है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को, चूंकि ये वो तमाम जो अजनास हैं या जो कमोडिटीज हैं जिसको पाकिस्तान आपको इसमें से कुछ इंपोर्ट करता है, तो इनका इनको नुकसानात की वजह से इस दफा जो JS ग्लोबल की रिपोर्ट है, पाकिस्तान को जो इजाफी दरामदात इस साल करनी पड़ेगी उसका तखमीना उन्होंने $4.5 अरब लगाया। याद रखे पाकिस्तान एक एक डॉलर के लिए तरस रहा है, जो हमारे इस वक्त मुल्क के हालात हैं इन हालात के अंदर $4.5 अरब का तखमीना सिर्फ अजनास के नुकसान और उसकी वजह से फिर आपको जो इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। इसका जो महंगाई के ऊपर इम्पैक्ट आएगा वो इसके अलावा है, सैलाब आने से पहले ये बात हो रही थी कि एवरेज महंगाई की शरह जो इस वक्त पाकिस्तान में इस साल रहने की तवक्को है वो 18 से 20% है, पहले ही जो महंगाई है वो जुलाई में वो 25% हो चुकी है। कामरान, अब बात आ जाती है कि क्या हमारे पास वसाइल है, वसाइल से पहले आई थिंक ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आएगा। आई थिंक इस वक्त जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इमीडिएटली जो लोग घरों से बेघर हो गए हैं, जाहिर है कि इन इलाकों में जहां पे सैलाब आया है इवन वहां पे साफ पानी पीने का इवन मुयसर नहीं है, तो इमीडिएट मेरे ख्याल में जो कंसर्न है कि उन लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि आपको पता है कि राबता सड़कें, रेल लिंक,
इवन बलूचिस्तान के अंदर, क्वेटा के अंदर, तो इवन के जो जितना जो सेलुलर नेटवर्क है वो इवन बैठ गया है, वहां पर आप उनको वहां पे एक्सेस नहीं कर सकते। एक तो उन लोगों तक पहुंचना मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि सिंध के अंदर इस वक्त फिल फॉर कोई 10 लाख के करीब तो आपको टेंट चाहिए, बलोचिस्तान के अंदर आपको 1 लाख के करीब टेंट चाहिए, और ये वो सारे रिक्वायरमेंट्स हैं कि पाकिस्तान की आपकी मईशत जो हमारी सूरत हाल ऐसी है कि हम खुद से तो कर नहीं सकते, इसीलिए आपने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और अब इंटरनेशनल अपील भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब की जो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई और उनको सेंसिटाइज किया उन्होंने पाकिस्तान की क्या रिक्वायरमेंट हैं। फिर गालिबन ट्यूसडे को यूएन जो है एक फ्लैश अपील भी लॉन्च करने जा रहा है साइमल्टेनियसली जनीवा में और इस्लामाबाद के अंदर। तो इससे एक अंदाजा होता है कि यह इतना बड़ा डिजास्टर है कि पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद की जरूरत है, फिल फॉर तो उन लोगों तक पहुंचने के लिए कि जो लोग मुतासर हुए हैं उनको कम से कम शेल्टर दिया जाए, उनको खाने पीने की अशिया दिए जाएं, उनको अगर अद्वियात की जरूरत है तो वो उन तक पहुंचाई जाए। ये बिल्कुल ठीक है नाजिन, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है, सिर्फ हुकूमत के ऊपर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। हुकूमत की को जिस तरह की भी फंडिंग माजी में होती रही, जिस तरह के रिलीफ फंड बनते रहे हैं, जैसा कि डैम फंड भी एक बना था, मेरा ख्याल है कि बेहतर यही है कि जो भी शख्स साहिब हैसियत हो वो जरूर इन अफराद तक पहुंचने की कोशिश करे। हुकूमत के रिलीफ फंड में बिल्कुल माजी में भी हमने देखा है कि जी वो चेक्स दिए जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ तस्वीर बनाने में, मेरा ख्याल उसमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जिसके पास भी जितनी भी हैसियत है वो डायरेक्ट पहुंचे, और पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप उनके जरिए इन अफराद तक पहुंच सकते हैं, खुद नहीं पहुंच सकते। कामरान, रिलीफ की जहां तक बात है और पैसों की बात है, मेरा ख्याल कि पाकिस्तान को ग्लोबली अब इतने बड़ी को ग्रांट मिलने की उम्मीद नहीं है। उसकी एक वजह है कि आलमी रिसेशन पहले ही है और जो वेस्ट और यूरोप है वो इस वक्त सारा फोकस है उसका यूक्रेन की तरफ, फंड्स जो है वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने यूक्रेन की तरफ डाइवर्ट कर दिए। कल भी एक मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म साहब की हुई इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री में, आज सुबह जैसे आपने कहा कि उनकी फॉरेन एम्बेसडर से मुलाकात हुई। मेरी जो इत्तला है, जो हमने आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर भी की एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, कि एक मेजर फंडिंग एडिशनल नहीं आ रही। वर्ल्ड बैंक ने 37 करोड़ डॉलर की कमिटमेंट दिया लेकिन नया पैसा नहीं है। अगर पुराने कुछ मनसूबे थे जिनके ऊपर स्लो प्रोग्रेस थी वहां से पैसा डाइवर्ट करके फ्लड की तरफ वो दे रहे हैं। एशिया तरक्याती बैंक ने सिर्फ $25 मिलियन की बात की है अभी इस स्टेज के ऊपर, जिसमें उनका $17 मिलियन एग्जिस्टिंग पैसा एनडीआरएमएफ के अंदर पड़ा हुआ वो डाइवर्ट कर रहे हैं, और $8 मिलियन की कोई ग्रांट है जिसमें नॉर्वे की भी $5 मिलियन की ग्रांट है। आप देख लें फिर अमेरिका ने बहुत नॉमिनल सी मेरा ख्याल को वो इमदाद करने जा रहे हैं, चीन का भी यही सूरत हाल है, यूरोपीय यूनियन का भी यही सूरत हाल है, पैसा नहीं है जो कुछ करना है इन वसाइल के अंदर। मेरे ख्याल में जो उसे कहते हैं ना, एक वर्ड यूज करते हैं डोनर्स फटीग है, कि डोनर्स के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी में अपने जाहिर लोगों की मदद हर सूरत में करनी है, तो जाहिर है उसमें हर जो इनफरादी तौर पर भी लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में हम बात कर सकें सीनियर सहाफ़ी सैयद अली शाह साहब से, अगर हमारा रब्ता हो पाए, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क इस वक्त डाउन है, क्योंकि फर्स्ट हैंड अकाउंट वहाँ पर क्या है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है इन फ्लड्स की वजह से। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम फोकस कर रहे हैं कि जो सैलाब की वजह से तबाहकारियां हुई हैं सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है इन मॉनसून बारिशों के नतीजे में जो वहां पे सैलाब आए हैं, और वहां पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो फोन नेटवर्क है इवन वहां पर मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है, आप उनसे रब्ता नहीं कर सकते। हम सैयद अली शाह साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं बलूचिस्तान के अंदर क्वेटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो फोन लाइन पे यानी कि पीटीसीएल फोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने हमें स्काइप पे ज्वाइन करना था, उन्हें हमारी वजह से ऑफिस आना पड़ा, क्योंकि जाहिर है कि वहां पे कोई इंटरनेट और जो सेलुलर सर्विस है वो तो सिरे से काम ही नहीं कर रही। तो बहुत शुक्रिया सैयद अली शाह साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। इसी से हमें अंदाजा होता है कि अगर नेटवर्क बैठा है तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी डेवस्टेशन है वहां पे। हमारे पास जाहिर है कि जो सरकारी आदाद शुमार है वो तो हमारे पास मौजूद हैं। आपने इन मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया है, जरा सेंस दें कि बलूचिस्तान में इस वक्त सैलाब की वजह से क्या तबाहकारियां हैं वहां पर। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, आपने खुद भी बयान किया, इस वक्त सूरत हाल तो ये है कि पहले तो रोड लिंक के जरिए बलूचिस्तान का अंदरूनी पाकिस्तान के साथ रबता नहीं था,
फिर आपने देखा कि कल बोलान का इलाका है, यहाँ पर एक बहुत तारीखी पुल जो अंग्रेज दौर में बना था रेलवे का, 140 साल कबल 1880 में बना था, वो पुल भी गिरा। उसके बाद फिर बलूचिस्तान का सिंध से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से जो रेल के जरिए जो ट्रेन सर्विस था वो भी मुअत्तल हुआ। तो ट्रेन सर्विस मुअत्तल है, रोड के जरिए जो है वो नेटवर्क मुअत्तल है। अब आपने भी बात की, जो इंटरनेट सर्विस है वो भी कंप्लीटली जो है यहाँ पे मफलूज है, काम नहीं कर रहा है। मोबाइल सर्विस भी, यानी बलूचिस्तान कंप्लीटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो सूरत हाल इंतहाई तश्वीशनाक है। एक तो ये है कि पूरा क्वेटा शहर जो है, यानी अक्सर इलाके में कहूंगा, बहुत कंजर्वेटिव में यहाँ पे बात करूंगा, क्वेटा शहर के अक्सर इलाके, इनमें पश्तूनाबाद है, सरियाब है, खरोटाबाद है, गौसाबाद है, मुख्तलिफ इलाके है, ये पानी में डूबे हुए हैं। इस वक्त भी रिलीफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, क्योंकि रिलीफ पे पहला जो फेज है वो रेस्क्यू ऑपरेशन है कि लोगों की जिंदगियों को किस तरह बचाया जा सके। इसमें प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्रंटियर कोर है, ये सारे लगे हुए हैं। सुबह से लेके अब तक मैंने डीजीपीडीएमए से बात की, उनका कहना था कि एग्जैक्टली हमारे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूं कि सुबह से लेके अब तक हमने हजारों जो लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया है। तो कहने का मकसद ये है, इस वक्त एक तो रब्ता नहीं है, बलूचिस्तान की खबरें जो है नेशनल लेवल पे नहीं आ रही है। जाहिर है जब खबरें नहीं आएंगी तो फिर वफाकी हुकूमत जो है वो हरकत में नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमने तो बड़ी तंकीद की है, नुकताचीनी की है पीडीएमए, जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, लेकिन बलूचिस्तान में दो महमा से आप देख रहे कि मुसलसल सैलाब का, मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। इस तमाम सूरत हाल में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एनडीएमए, ये गायब है, मिसिंग है। एनएचए नेशनल हाईवे अथॉरिटी अक्सर ज़ाहिर बलूचिस्तान जोग्राफी के लिहाज से इंतहाई अहम है, आधा पाकिस्तान है। अब आधे पाकिस्तान में एनएचए के सारे यहाँ पे हाईवेज है, उनकी भी यहाँ पे वो प्रेजेंस नहीं है जो होनी चाहिए। तो इस वक्त यहाँ पे हमारी भी गवर्नमेंट जो है उसकी भी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, पॉलिटिकल कमिटमेंट भी नहीं है, तो इस वजह से लोगों के जो मसले हैं। अली शाह साहब, आपने फरमाया कि दो माह से बारिशें हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो वहां पे सैलाब की तबाहकारियां वो अचानक से नहीं हो रही, तो अगर ये दो माह से ये सूरत हाल थी, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है, इसकी वजूहात के ये क्या सिर्फ इतना सादा है कि ये पॉलिटिकल कमिटमेंट्स नहीं है, या फिर वहां पे कुछ और वजूहात है जिसकी वजह से लोगों की वहां पे परवाह नहीं है लीडरशिप को? आप समझते क्या कि मसाइल बुनियादी है क्या वहां पे? बारिशें हो रही है मुसलसल, हर चीज तबाह हो रही है, हुकूमत गायब है, क्योंकि हर चीज तो आप जो है वफाकी हुकूमत के ऊपर नहीं डाल सकते ना। नो डाउट, बिल्कुल आपने सही कहा कामरान साहब। बात यह है कि बलूचिस्तान का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मसला है वो गवर्नेंस का है। यहाँ पे गवर्नेंस वर्स्ट गवर्नेंस है, पहले तो पूरे पाकिस्तान में गवर्नेंस की हालत आप देख रहे हैं, इस्लामाबाद से लेके कराची, कराची से लाहौर, लाहौर से पिशावर, पूरे पाकिस्तान में गवर्नेंस का जो हाल है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सुनने वालों को भी पता है। लेकिन बलूचिस्तान में ये चीजें यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है वर्स्ट कंडीशन में। तो कहने का मकसद ये है, यहाँ पे कोई अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नहीं है। जिस तरह सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या सैयद मुराद अली शाह साहब जो है वहां पे मुतासरीन के पास जाते हैं। चलो मैं तो उसी दिन में मैंने ये अर्ज किया था कि बलूचिस्तान में तो फोटो सेशन भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई फोटो सेशन होता वो भी ठीक होता। अब कहने का मकसद ये है कि ये आधा पाकिस्तान है, यहाँ क्वेटा की मैं खबर आपको बहुत तकलीफ से दे रहा हूँ, तो आप मुझे ये आप बताएं कि क्वेटा से 1000 किलोमीटर जो है तुरबत, पंजगूर, गवादर जो मकरान बेल्ट है वो दूर है, डेरबुक्टी कहाँ है, कोलू कहाँ है, फिर वेस्टर्न जो बलूचिस्तान है ईरानी सरहद तक 700 किलोमीटर है, फिर जोब है 400 किलोमीटर तक। इस सूरत हाल में बलूचिस्तान से खबरें नहीं आ रही। ये सईद अली शाह साहब, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने क्वेटा का तो जिक्र किया, जाहिर है क्वेटा फिर भी कैपिटल है और वहां पे ये हालत है कि वहां पर भी रसाई आप कह लें कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बलूचिस्तान जाहिर है कि रकबे के एतबार से बहुत बड़ा सूबा है, तो आप जाहिर है कि आप नेशनल टीवी पे जा रहे हैं, तो शायद आपकी तवस्सुत से जो हमारे हुकामे बाला हैं उनको कुछ जाहिर है कि कुछ एहसास हो कि वहां पे किस किस्म की मदद की जरूरत है, तो थोड़ा सा आप बताएं कि क्वेटा के अलावा कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज्यादा मुतासर हैं और किस किस्म की मदद की जरूरत है इस वक्त वहां पे लोगों को?
देखिए कमरान साहब, इस वक्त नसीराबाद डिवीजन जिसमें जफराबाद है, सोबतपुर है, ये जलमक्सी, ये सारे इलाके जो है ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। इसके अलावा लसबेला जो है ये भी पानी में डूबा हुआ है। इसके अलावा चमन है, किला अब्दुल्ला है, किला सैफुल्ला है, पिशीन है, ये बारखान है, कुलू है, डेरबुकटी है, ये बदतरीन सैलाबों का और मूसलाधार बारिशों का शिकार है। ये इंतहाई तश्वीशनाक सूरत हाल है। जहां तक इस वक्त खासकर पहले तो बात यह है कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए, खुदा के लिए। नसीराबाद में कल मैं किसी से बात कर, हम प्रोग्राम कर रहे थे, कोई लाइव उस पर बात कर रहे थे, तो एक वहां से दो तीन बंदों ने कमेंट्स लिखे कि आप कह रहे हैं कि जी महफूज मकाम की तरफ हमें मुंतकिल करे, यहाँ तो पानी ही पानी है, हमें कहाँ पे मुंतकिल किया जाए। पूरा डिवीजन जो है मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। डिसकनेक्टिविटी का तो मैंने आपको बताया कि न रोड लिंक के जरिए रास्ता है, न रेलवे लिंक के जरिए रास्ता है, इंटरनेट जो है वो भी मुअत्तल है, मोबाइल फोन जो है वो भी काम नहीं कर रहे। इस सूरत हाल में क्वेटा से अगर इतनी मुश्किल से खबरें आ रही है, साफ बात यह है कि इस वक्त हमारे पास भी बहुत कम इंफॉर्मेशन है अंदरून बलूचिस्तान के। ये तो मैं बहुत पीसीज में जमा करके अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं। अली शाह साहब, आपने कहा कि अभी इंफॉर्मेशन का फुकदान और बिल्कुल जिस जितना वास्ट एरिया है और जिस किस्म की तबाहकारियां हो रही हैं, इसमें टाइम लगेगा इंफॉर्मेशन गैदर करने में, और बलूचिस्तान है भी रिमोट। मसला ये है कि शाह साहब, ये 2010 में जो 18वीं आईनी तरमीम आई थी, उसके बाद से बलूचिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, बलूचिस्तान को बेतहाशा वसाइल मिलते हैं, और अगर हम फिस्कल अकाउंट्स देखते हैं तो पता चलता है कि बलूचिस्तान की वो हुकूमत है जिसके पास जो पैसा है उसकी जरूरियात से ज्यादा है। तो फिर क्या वजह है कि जो माजी में कहा जाता था कि बलूचिस्तान को डिप्राइव रखा गया है, अब बलूचिस्तान के पास पिछले 12 साल से पैसा है, उसके बावजूद इस किस्म की वहां पे तैयारियां क्यों नजर नहीं आती कि इस तरह की जो अभी तो सैलाब है, फिर कुछ अरसा पहले ड्रॉट था, तो ये सारी सूरत हाल, आखिर पैसा अवाम तक पहुंचता क्यों नहीं है, किधर जाता है वो सारा पैसा? देखिए मैं वही फिर दोहराऊंगा बात गवर्नेंस की है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। ये ठीक है, इस्लामाबाद ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान के बनने से अब तक बलूचिस्तान को सियासी हक नहीं दिया गया है, बलूचिस्तान को समाजी राइट्स नहीं दिए गए, बलूचिस्तान को मौशी आईनी जो राइट्स है वो नहीं दिए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, ये हम बलूचिस्तान के लोगों की यहाँ पे कन्विक्शन है और बड़े कमिटमेंट के साथ हम कहते हैं। लेकिन आपने जो बात की, बात ये है बलूचिस्तान में अलमिया ये है, एक तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं अपडेट करूंगा, बलूचिस्तान में अनटेप्ड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। यानी अभी आपने देखा कि रिकॉर्डिंग का जो मायदा हुआ उससे बलूचिस्तान को 240 अरब रुपए जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी ये आपके पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में यानी इजाफी आएंगे। लेकिन यहां पर जाहिर है सुबह इतना बड़ा है कामरान साहब, इसमें इस सुबह को अब पंजाब में अगर 1 करोड़ रुपए का आप रोड बनाते हो उससे 10 लाख लोग जो मुस्तफीद हो सकते हैं, बलूचिस्तान में 1 करोड़ का रोड आप बनाते हो तो उससे 1000, चूंकि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। और फिर हमारे पास अलमिया ये है, एक तो हम सुबह का इनकम कोई नहीं है, अच्छा वो जो हमें थोड़ा बहुत एनएफसी में, फिर भी इधर मैं यहाँ पे ये जरूरी समझूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो बलूचिस्तान के साथ अच्छा किया वो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड था, हमारा जो शेयर है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में वो 50% उसमें इजाफा हुआ, रादर यानी इससे भी ज्यादा हुआ। लेकिन कहने का मकसद ये, एक तो हमारे पास इनकम कम है, वसायल और पैसे कम है, फिर उन वसायल और पैसों का बहुत गलत इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली में मीर कुदुस बिजनजो तो चीफ मिनिस्टर है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक फ्रेंडली अपोजिशन है, पीडीएम ने भी उनको सपोर्ट किया है, यहाँ पर कोई एक शख्स जो है वो अपोजिशन में नहीं है। ये बिल्कुल आपने जाहिर है कि ये वो मामलात हैं जाहिर है कि जिसकी वजह से गवर्नेंस के मामलात में जाहिर रुकावट पड़ती है। सईद अली शाह साहब अपना ख्याल भी रखें, और इवन सईद अली शाह साहब जो क्वेटा में मौजूद हैं और वो खुद इस बात का एतराफ़ करें, इवन अंदरून बलूचिस्तान से उनको भी उस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्योंकि जाहिर है कि किसी किस तरीके से रसाई की जाए जो मुतासर लोग हैं, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वहाँ पर किस कसम पुरसी की जो ज़िंदगी है वो वहाँ पर जो मुतासरीन वो गुजार रहे हैं कि उनके पास तो कोई जरिया भी नहीं है कि वो बता सकेंगे कि किस मुश्किल से वो दो चार हैं। तो लेट्स होप कि गवर्नमेंट को अब जब होश आया है, आज हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब सिंध के दौरे पर गए थे, तो वो बलूचिस्तान भी ज़रूर जाएंगे, जैसे सईद अली शाह साहब ने कहा कि वहाँ पर तो लोग ये कहते हैं कि चलें आप फोटो सेशन के लिए आ जाएँ,
तो कम से कम लोगों को अंदाजा तो हो पाकिस्तान के दूसरे लोगों को कि वहां पर इस वक्त लोग किस मुश्किल से दो चार है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जाहिर है कि इसका जो तस्करा है सैलाब का वो करेंगे कि क्या इसकी वजह जो क्लाइमेट चेंज है वो है बुनियादी इसकी वजह, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो सैलाब की सूरत हाल है इस वक्त खास करके सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, इवन खैबर पख्तूनख्वा से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक उसके अंदर जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे मामलात खराब हो रहे हैं। तो इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली तौकीर शेख साहब, ये एक्सपर्ट हैं ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट। तो बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाल ही में आपने एक आर्टिकल लिखा डॉन में और जिसका टाइटल ही यही था मैन मेड कैटास्ट्रोफीज, यानी कि इन अदर वर्ड्स, यानी कि सादा अल्फाज में अगर आम लोगों को बताया जाए तो आपके आर्टिकल का जो क्रक्स था वो ये था कि जो भी इस वक्त सूरत हाल है फ्लड्स की उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। ऐसा क्यों है, हालांकि ये जो बारिशें इस दफा हुई हैं वो बहुत गैर मामूली हैं। देखिए अगर आपका घर जो है वो पहाड़ी के नीचे हो, ऊपर पत्थर वगैरह हो, तो रात को पत्थर अगर हिले और आपके घर की छत टूट जाए और बच्चे खुदा न खास्ता जख्मी हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कुदरती आफात का नतीजा है, ना ही आप ये कह सकते हैं कि नागहानी है, क्योंकि आपको तो मालूम है जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो बड़ी इनसिक्योर है। तो कुदरती आफात भी किसी चीज का नाम नहीं है, नागहानी आफात भी किसी चीज का नाम नहीं है। ये सारी चीजें बहुत प्रिडिक्टेबल थी। क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स कई साल से ये कह रहे हैं कि फ्लड्स आएंगे, ज्यादा आएंगे, मानसून होगा बहुत हैवी होगा और उसके साथ बहुत फ्लडिंग होगी। एक मिनट में मैं आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ कि 2010 में और 2022 के फ्लड्स में क्या फ़र्क है। 2010 का जो फ्लड था वो सिर्फ दरियाओं से आया था, इंडस रिवर से, और उसका नतीजे में एक तो वो स्लोली मूव कर रहा था एक पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ, 12 15 14 दिन लग रहे थे, लिहाजा उसमें वार्निंग टाइम बहुत ज़्यादा था। और दूसरा उस फ्लड में आपको उसकी क्वांटिटी का पता था कि आला दर्जे का है, दरमियाने दर्जे का सैलाब है, और तीसरा आपको यह भी पता था कि अगर आप दरिया के इर्द गिर्द रहते हैं तो आप फ्लड से मुतासर होंगे, लिहाजा उसकी डेवस्टेशन जो थी वो प्रेडिक्टेबल थी, उसका जो कोर्स था वो प्रेडिक्टेबल था, उसकी इंटेंसिटी प्रेडिक्टेबल थी, और आपको तकरीबन टाइमिंग भी प्रेडिक्टेबल थी कि फ्लड कितने दिनों में बॉर्डर से सिंध तक पहुंचेगा। यहाँ आपके साथ ये हो रहा है कि रिवराइन फ्लड तो अभी तक आया ही नहीं है, आपको तरबेला और मंगला तो अभी फिल हो रहे हैं, और शायद अगर बारिशें फिर हो तो शायद उसमें से भी कोई फ्लड जनरेट हो। अभी तो आपके पास जो फ्लड आ रहे हैं वो आपके पास टोरेंशियल रेन्स की वजह से आ रहे हैं, जो वेदर सिस्टम में चेंज की वजह से हो रहा है। आपके पास फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं जिसका मतलब है कि माउंटेन्स से जो पानी आता है, बैरन माउंटेन से जैसे कोहे सुलेमान है, बलूचिस्तान की माउंटेन्स है, वो इस स्पीड के साथ आता है जैसे सदर्न पंजाब में है कि आप कि अगर उसके सामने आबादियां हो, लोगों के घर हो, कोई इंडस्ट्री हो, तो उसको 2-4-10 मिनट से ज़्यादा का नोटिस पीरियड नहीं मिलता तो वो उसने तो तबाह होना ही होना है। तो हमने खुद कहा हुआ है कि आप बैल मुझे मार। पाकिस्तान में जो ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है पिछले 2 डेकेड्स में वो तो दरियाओं के रास्ते में हुई हैं। आपको सोशल मीडिया में बहुत जगह पे नजर आ रहा होगा कि सवात में ये होटल टूट गया। अली तौकीर साहब, आपसे ये पूछना चाह रहा था, जब आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं शुमाली इलाकों में तो आपको दरियाओं के अंदर जो है वो होटल्स बने हुए मिलते हैं, किनारों पे नहीं, उनके बिल्कुल अंदर, तो फिर ये कसूरवार कौन है? ठीक है करप्शन को कोई डिफेंड नहीं कर सकता, ये कोई तो उनको जाके पैसा देता ना जो वहां पे जाके उसकी परमिशन लेता, और बल्कि कुछ तो ऐसे होटल्स बने हुए जिनकी परमिशन भी नहीं है। तो ये बात ठीक है कि हुकूमत, हर हुकूमत को कसूरवार होती है, हम जो आवाम है हमारे अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, इसका हम कसूरवार किसको ठहराएंगे? ये देखिए अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर रूल ऑफ लॉ हो तो अपने आप आ जाती है। जिस शहर में ट्रैफिक की लाइट को ज्यादा स्ट्रांगली रेगुलेट करते हैं वहां पे कोई रेड लाइट को क्रॉस नहीं करता। इसी तरह जिस दरिया के किनारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लॉ को वायलेट करते हुए वहां पे लाइसेंस दे दे या परमिट दे दे या आंखें बंद कर ले कंस्ट्रक्शन को होने दे, तो दैट मीन्स
कि रूल ऑफ लॉ बहुत वीक है, तो उसका जो आसान चीज है वल्नरेबिलिटी जो होती है, खासकर क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा लोकल फिनोमिना होता है, वो लोकल लेवल पे होती है। तो आपकी लोकल लेवल की प्रिपेयरनेस के लिए लोकल गवर्नमेंट का होना जरूरी है, मगर पिछले 75 साल में हमारे यहाँ अभी तक उस लेवल की प्रिपेयरनेस ही नहीं हो सकी जहां पे कोई लोकल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर हो जो लोकल एनवायरमेंट को, लोकल वल्नरेबिलिटी को एड्रेस कर सकते हो। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, अंग्रेज के जमाने में हर सड़क के साथ फ्लड वाटर के लिए या रेन वाटर के लिए एक पैसेज बना हुआ था, नाला बना होता था, उसकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेंटेनेंस करती थी। अब अगर इस्लामाबाद में या कराची में या किसी बड़े शहर में बैठ के वो कहेंगे कि सड़क को चौड़ा कर दो और वहां पे सड़क बना दे या उसके ऊपर फुटपाथ बना दे या उसके ऊपर दुकानदार जो एनक्रोचमेंट कर लें, तो दैट मीन्स कि लोकल एनवायरमेंटल सिस्टम जो था, प्रोटेक्शन सिस्टम जो था, वो वायलेट हो गया, लोकल रेजिलियंस कंप्रोमाइज हो गई और लोग वल्नरेबल हो गए। जो अब बारिश का पानी या फ्लड का पानी आएगा उसने तो किसी जगह तो जाना है, उसने अपना रास्ता बनाना है, आप उसके रास्ते में हजार दफा आ जाए उसने हजार तरीके से अपने लिए रास्ता ढूंढना है। देयर इज नो अदर वे देन टू गिव वाटर बॉडीज देयर राइट टू लाइफ, दे नीड अ सेफ पैसेज। तौकीर शाह साहब, अपने जरा ख्यालात को यहाँ पे रोकें क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो अब करना क्या है, जाहिर है कि ये डिजास्टर तो आ गया है, अभी इमीडिएटली कैसे लोगों की मदद की जाए और फ्यूचर के लिए क्या किया जाए ताकि इस तरह की जो कुदरती आफात है या जिसे आप कहते हैं कि मैन मेड डिजास्टर्स हैं उनसे बचा जा सके, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। साइकी है कि हम हमेशा जब कोई हादसा हो जाता है तो तब रद्दअमल देते हैं, कोई प्रीएम्प्ट नहीं करते, तो ओवरनाइट चीजें कैसे चेंज होंगी आपके ख्याल में, क्या कर सकते हैं? देखिए, ये एक चीज को पहले समझ लीजिए और मुझे कहने की इजाजत दे दीजिए, जिस गवर्नेंस की वीकनेस की वजह से डिजास्टर आता है टू बिगिन विद, उन्हीं वीकनेसेस की वजह से जो इमरजेंसी रिलीफ होती है वो भी सक्सेसफुल नहीं होती। ये हमने 2005 के अर्थक्वेक में भी देखा था, कंबल और कैंप एयरपोर्टों पर पड़े रहे, दुनिया ने बहुत भेजे थे मगर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की कैपेसिटी नहीं रखते थे। इस वक्त सबसे पहला जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो ये है कि मगरब की नमाज से पहले आप लोगों को पानी रोटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। दो महीने को और देख लीजिए, पानी रिसीट कर जाता है। अब देखना यह है कि वहां पर डिजीज का स्प्रेड होना इनएविटेबल है, जो एपिडेमिक्स हैं वो स्प्रेड होने हैं, तो हेल्थ का क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और ये वो क्राइसिस है जो हम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स की एसोसिएशंस वगैरह हैं वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो अपने कैंप लगा सकती हैं, लोगों को अटेंड कर सकती है। दूसरा जो क्राइसिस आएगा इमीडिएट वो आता है फूड सिक्योरिटी का। सिर्फ ये 2-4-10 दिन खाने पीने का मसला नहीं है, मसला यह है कि आपकी क्रॉप भी तबाह हो गई, आपका क्रॉपिंग सीजन भी आपका तबाह हो गया, तो जो आपको बहुत बड़ा सवीर एक मसला आता है कि इन लोगों की बच्चे बच्चियां उनको दूध पानी फूड कैसे दी जाए कि उनकी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होती रहे। उस क्राइसिस को आप शॉर्ट टर्म समझिए, अगले 3 महीने का क्राइसिस है। अच्छा, उसके बाद का जो क्राइसिस है वो 2 किस्म का है, वो लॉन्ग टर्म आपके सिस्टम के क्राइसिस है कि अब जिन बच्चों का स्कूल टूट गया, जिनका टीचर वहां से छोड़ के चले गए या फ्लड में नुकसान हो गया उसका, उनकी एजुकेशन आप कैसे रिज्यूम करेंगे। तो एक फ्लड के साथ पूरी जनरेशन तबाह नहीं होनी चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए कि अपने एजुकेशन सिस्टम को कितनी जल्दी हम खड़ा करते हैं। उसके बाद आपके इकोनॉमिक इश्यूज आएंगे जो इस वक्त जो दुनिया में सूरत हाल है, आप देखें यूरोप के अंदर इस वक्त 500 साल की उन सबसे ज्यादा वहां पे गर्मी पड़ रही है, वहां पे खुशहाली की बातें यूरोप के अंदर हो रही है जो शायद लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप समझते हैं गिवन पाकिस्तान गवर्नर स्ट्रक्चर जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक जिक्र कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल में जो पैदा हो रही है अकेले क्लाइमेट चेंज के जो इससे पैदा होने वाले खतरा है उसे निमट सकता है? अगर नहीं तो फिर हमें क्या करना है अदर देन गवर्नेंस? ये देखिए, गवर्नेंस के अलावा तो आप चल नहीं सकेंगे। पहली बात तो ये है, आप लोगों से ये तो नहीं कह सकते माइग्रेट करके मुल्क छोड़ के चले जाए, मगर जो चीज आपने कही आप इसको इस तरह समझिए कि अगर बलूचिस्तान में ड्राउट इतना लंबा और इतना सीवियर ना होता तो आज उसकी फ्लडिंग भी इतनी सीवियर ना होती। ड्राउट के बाद जो फ्लडिंग आती है वो बारिश का पानी अंदर सीप नहीं करता क्योंकि जमीन जो है वो बर्न्ड सॉइल के तौर पर बड़ी सख्त हो जाती है, पोरस नहीं रहती। तो मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि एक डिजास्टर का
दूसरे डिजास्टर से लिंक होता है, और इसलिए जब आप किसी एक डिजास्टर को हैंडल करते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन के अलावा जो एनडीएमए वगैरह करेंगे, जो बिस्ट वगैरह कैश डिस्पर्स करेंगे, जो आपको करेक्ट चीज है, आप सिस्टम में जाके देखें कि मुझे क्या करना है। जैसे अब फ्लड के बाद जो एग्रीकल्चर है उसके लिए हमने सीड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि नहीं करने, ताकि लोगों की फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। तो इसलिए जो गवर्नेंस के साथ रिलेटेड चीजें हैं वो इकोनॉमिक भी हैं, वो सोशल भी हैं, वो कल्चरल भी हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन भी हैं, और वो जनरेशनल भी हैं। उसमें आपने हैंडीकैप का भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, बच्चियों का भी ख्याल रखना है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का भी ख्याल रखना है। यू हैव टू इंश्योर दैट द लाइफ कम्स बैक। एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ बांग्लादेश से। बांग्लादेश में उन्होंने स्कूल्स में जो फ्लड एरियाज के स्कूल हैं, कोस्टल एरिया में स्कूल्स हैं, उनको उन्होंने हाई एलिवेशन पर बनाए, पूरा गांव उठ के वहां पे, और लाइव स्टॉक को वो वहां पे लेकर आते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसी करनी है अपने सिस्टम में कि फ्लड के वक्त में पूरा गांव तबाह होने की बजाय वो एक ऊंची जगह पे आ सके, जहां पे कम से कम वो और उनके माल मवेशी और बच्चे जो है उनकी लाइफ ज्यादा महफूज हो सके। जिनको हेलीकॉप्टर के थ्रू या ट्रेन के थ्रू या ट्रक के थ्रू किसी के थ्रू सप्लाईज भेज के आप उनको लाइफ साइकिल पे रख सकें 2-4-10 दिन के लिए इमरजेंसी में, जब तक पानी नीचे नहीं चले जाता। तो हमें डिजास्टर प्रिपेयरनेस का एक हमें कथा चलानी हो रही है, वक्त हमारे पास कम है, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। 2005 का जब जल्जला आया, जाहिर है हौलनाक तबाही उसकी वजह से आई, और उस वक्त एक टर्म कॉइन की गई कि बिल्ड बैक जो पॉलिसी, कि इससे पहले अर्थक्वेक से पहले जो हालात थे उससे बेहतर अब हम जो है वो डेवलपमेंट करेंगे। बालाकोट की एग्जांपल दी जाती है, सिटी एक कम्प्लीटली तबाह हो गया था और वो अर्थक्वेक की जो भी जोन है उसके ऊपर था, एक नया शहर उसकी जगह आबाद करना था, वो नया शहर आज तक आबाद नहीं हुआ, और उसी पुराने शहर के ऊपर जो पुराना शहर है वो दोबारा आबाद हुआ। ये तो हमारा हाल है, तो लगता नहीं है, लेट्स सी कि कोई मौजे हो जाते हैं कि हम शायद एक दो डिजास्टर्स की वजह से अपने जो तर्ज अमल है उसमें कोई तब्दीली लाएं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही, मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।